तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं बात करूंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के फायदे क्या हैं, और मैंने ये चार पाँच सालों में मैंने क्या सीखा जब मैं रिलेशनशिप में था तब, और जब मैं रिलेशनशिप में अभी नहीं हूँ, और मैंने जो ब्रह्मचर्य पालन करके जो अपने अंदर एक दिव्यता, एक डिविनिटी पावर जो अटेन की है, या फिर जो पावर मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ सबके सामने, या फिर जो मैंने लाइफ में अभी तक अचीव की है इन सब सालों में, तो मतलब वो कैसे की और क्या फ़ायदे हैं जब आप ब्रह्मचर्य में रहते हो और सेलिबेसी जब आप फॉलो करते हो अपने वाइटल फोर्स एनर्जी को अंदर रख के और खुद को जो मतलब एक्सप्रेस करके और जो आपने सोचा है उसको पाके, उस पाने में प्रोसेस में आपको क्या मतलब कैसे आप कर पाते हो उस चीज़ को, आपको क्या क्या करना पड़ता है और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तो आज मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके, लाल बटन है नीचे, और बेल नोटिफिकेशन भी उसको भी प्रेस कर देना। मैं ऐसे वीडियोस लाता हूँ, मिथोलॉजिकल वाले वीडियोस भी ले आता हूँ, और जो लाइव सेशन है वो मैं करता हूँ सैटरडे और संडेज़ को, आप उससे जुड़ सकते हो। मैं उसमें लाइफ से रिलेटेड और मिथोलॉजिकल रिलेटेड क्वेरीज करता हूँ, आपकी क्वेरीज लेता हूँ और फिर आंसर देता हूँ उनके। राइट, तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने में आपको पता चलेगा कि अगर अभी तक आपने ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया है तो ब्रह्मचर्य पालन जब आप करते हो तो आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। राइट, तो उस फायदे के बारे में बात करूँगा, पूरा वीडियो देखना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे अभी 3.5 साल, हाँ 3.5 साल ऐसा कुछ हो चुका है ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए। उससे पहले रिलेशनशिप में जब मैं था तो मैं मतलब बिल्कुल फोकस नहीं रह पाता था, और मैंने जो अपना जो वाइटल पॉइंट था, वाइटल पॉइंट मेरे करियर का, जहाँ मुझे मतलब कुछ अचीव करना था, बड़ा अचीव करना था, एक्चुअली एक कार्डियक सर्जन बनने का मुझे बहुत ही इच्छा था, बट उस कार्डियक सर्जन को पाने के लिए आपको मतलब नॉट इवन कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, आपको कुछ भी अगर लाइफ में बड़ा पाना है, कुछ बड़ा सोचना है, करना है, तो उसके लिए आपको सिंगल रह के, अकेले रह के ना उस काम पे ध्यान देना होता है, उस काम पे ध्यान देना होता है, बट मैंने दिया नहीं था। वो जो समय था मेरा, उस समय अगर मैं अकेले रह के ध्यान देता तो आज मैं डेंटिस्ट नहीं, आज मैं कार्डियोलॉजिस्ट होता, और मुझे पूरा भरोसा था। बट उस समय रिलेशनशिप में था, और वो समय ऐसा होता है कि आप बिल्कुल मतलब वो क्या कहते हैं, लव में पड़ जाते हो, आपका जो वाइटल फोर्स एनर्जी है वो बह जाता है, वाइटल फोर्स एनर्जी आप अपने ऊपर ले नहीं पाते हो, तो ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर पाते हो, जिसका रिजल्ट आपको जो है आपका 120% रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इसी के चलते मैंने जब ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू किया कुछ साल बैक से, तो मैंने देखा बहुत सारी जो चेंजेस हैं मेरे लाइफ में आने लगी, जैसे कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलता है, और जो भी काम है उस काम को मैं दृढ़तापूर्वक, मतलब जो मुझे करना है मतलब करना ही है, मुझे चाहिए तो चाहिए। क्योंकि इससे पहले जब मैं रिलेशनशिप में था तो लड़कियों के साथ जब मैं था, मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड्स थी या फिर जो गर्लफ्रेंड मेरी थी उनके साथ मैं इंडल्स रह के, या फिर वो मेरे से इंडल्स रहने के साथ, मैं कुछ मतलब प्रोडक्टिव या फिर अच्छा कुछ नहीं कर पाता था। उनके बातों में मेरा दिमाग घूमता था, या फिर वो मेरी बातों के लिए मतलब ग्रज में रहती थी, मतलब ऐसे करके मेरा ज़िंदगी कट रहा था, और आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज़, इवन आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई सोशल लाइफ एंड सोशल स्किल्स, बिकॉज इट वॉज हैम्परिंग सो मच एंड इट वॉज क्रिएटिंग सो हैवॉक इन माई माइंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी माइनर माइन्यूट थिंग्स। ओके, सोशल स्किल्स की तो आप बात ही छोड़िए, मेरे अपने जो माइन्यूट जो थिंग्स हैं उसमें मैं मतलब फोकस नहीं रह पाता था। तो मैंने जो है क्या किया, मेरे लाइफ में चेंज लाने के लिए मैंने जो है मतलब सेपरेशन का रास्ता चुना। सेपरेशन का रास्ता चुन के मैंने ब्रह्मचर्य को फॉलो किया, कि मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है, अब मुझे कुछ चाहिए, अब मुझे कुछ मतलब पाना है। बताता हूँ आपको कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। देखो, फर्स्ट बेनिफिट्स तो हैं कि आपका मन जो है, आपका मन बिल्कुल दिव्य हो जाता है, मतलब डिवाइन हो जाता है। आप किसी के लिए हेटरेड नहीं रहते हो, ठीक है? आपके साथ ब्रेकअप हुआ हो, आपको कोई गाली दे रहा है, या फिर आपको कोई मतलब कुछ गलत शलत बोल रहा है, आप वो सोचते नहीं हो, आपको कोई मैटर फर्क ही नहीं पड़ता आपको, आप उसको बोलते हो चल जा कोई बात नहीं, भगवान तेरा भला करे, क्या कि आप अपना लाइफ जो है बढ़िया से जीते हो। दूसरा जो बेनिफिट है वो बेनिफिट है कि आप में बहुत शक्ति आती है, आप में शक्ति आती है तन से, मन से और आध्यात्मिकता से, ठीक है? तीनों तरीके से आपको शक्ति मिलती है, और आप जो भी काम है उसको करने में सक्षम रहते हो। जो भी काम करने में है आपको मतलब एक मज़ा आता है कि यस मुझे काम करना है और मुझे मतलब वो अचीव करना ही है। आपके अंदर हमेशा एनर्जी, पॉजिटिविटी रहती है। थर्ड पे है कि आप जो भी है मतलब डिविनिटी, स्पिरिचुअल पावर जो है वो आपको हजम होने लगता है, आप डाइजेस्ट कर पाते हो उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल गायत्री मंत्र, फॉर एग्जांपल शिव तांडव स्त्रोतम, फॉर एग्जांपल महामृत्युंजय मंत्र, उनको पढ़ के आप मतलब अपने लाइफ में डिविनिटी लाते हो, डिविनिटी ला के और फोकस्ड हो जाते हो कि अब ये मंत्र मेरे लाइफ में कुछ डिवाइन चीज़ ला रही है, तो मैं योग भी करना शुरू करता हूँ। तो योग करके आप मतलब उन चीज़ को अट्रैक्ट करते हो जो आपके चीज़ में आप सोचते थे पहले कि ये शायद मेरे पास हो जाए, ये शायद मेरे पास हो जाए। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट की हैं अपने लाइफ में, जो मेरे पास नहीं थी मैंने उसको अचीव किया है, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि मतलब सेलिब्रेसी का पालन करो। फोर्थ नंबर पे है कि आपका जो है डर लगना बंद होता है आपको, कि अब क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखो, फ्यूचर में तो जो होना है आपको साथ तो होना ही है, बट राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द डिसाइसिव मोमेंट दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग
दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द नेक्स्ट 5 or 10 years. दिस विल क्रिएट द इम्पैक्ट इन योर नेक्स्ट सम मिनट्स और नेक्स्ट सम आवर्स, राइट? नॉट 5 or 10 years, बट नेक्स्ट 2 to 3 minutes और 1 to 2 hours. दिस विल क्रिएट इम्पैक्ट वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ. सो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी जो आप कर रहे हो वो इम्पैक्ट डालती है. तो उस चीज़ को आप जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, फॉलो करते हो, तो इस टाइम आप क्या कर रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस रहती है आपकी, ना कि रिजल्ट पे. क्योंकि प्रोसेस अगर आप सही से करते हो तो रिजल्ट ऑब्वियसली आपको अच्छा मिलता है. और पांचवा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पांचवा जो बेनिफिट है इसका, वो है कि आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है ये, कि यस मुझे ये पाना है और पाना ही है. ठीक है, आप ब्रह्मचर्य में नहीं रहते हो, जब आप रिलेशनशिप में रहते हो, लड़की के साथ रहते हो, आप उन्हीं की बातों में बहते हो, वो आपकी बातों में बहती है, आप इंटीमेट होते हो, न जाने आप क्या क्या कर बैठते हो, आपका मन फोकस नहीं रह पाता और आप कुछ क्रिएटिव कुछ मतलब बड़ा नहीं कर पाते हो. आपके सामने ही आप देख लो, लड़की के चक्कर में जो पड़ा है, फिर लड़के के चक्कर में जो पड़ी है, कोई बड़ा कुछ नहीं कर पाती, बस एक हल्का फुल्का सा मार्क्स ले आते हैं वो लोग, एक अच्छा सा नौकरी, छोटी सी नौकरी, मतलब करना है, मतलब ज़िंदगी वो लोग बिताते हैं, मतलब कुछ बड़ा सोचने का उनके पास कैपेबिलिटी कम हो जाती है. द 120% द एबिलिटी टू गिव 120%, वो एबिलिटी कम हो जाती है आपके पास. तो इसीलिए बड़े बड़े एथलीट्स और बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जैसे कि मैनी पैकिया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर विराट कोहली, ये लोग सिमिलर टेंशन. मैनी पैकिया एक्चुअली एक बॉक्सर है, बहुत ही अच्छे बॉक्सर है वो, मतलब हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन है. उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी मतलब इंटीमेट नहीं होता हूँ गेम के चार हफ्ते पहले से मतलब ब्रह्मचर्य सेलिबेसी फॉलो करता हूँ, सो दैट वो पावर अटेन करूँ मैं. और इतना पावर अटेन हो जाता है ना जब आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो. तो इन सब एथलीट्स के बारे में आप पढ़ो, अब इन सबका गूगल करना, गूगल करके पढ़ो मैनी पैकियाओ के बारे में. फिर पॉप सिंगर एक है कान्ये वेस्ट, उन्होंने भी सेलिबेसी का पालन किया है. स्वामी विवेकानंद हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट ब्रह्मचारी है, बेस्ट योगी हैं, उनके बारे में आप पढ़ो. इतने अच्छे अच्छे लोगों के बारे में आप पढ़ो, तब पता चलेगा ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स क्या क्या हैं. ये तो मेरे लाइफ में जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको बताया, बट इसके तो करोड़ों बेनिफिट्स हैं. जब आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो आपको खुद वो फील होता है और आप खुद मोटिवेट होते हो और काम करना शुरू कर देते हो. तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, एक ब्रह्मचर्य बना रखा है, गायत्री मंत्र बना रखा है, योग कैसे करना है वो बना रखा है. तो आप उन जाके उन प्लेलिस्ट को देखो, आप उन जाके उन वीडियोस को देखो, ठीक है, मैंने आई लिंक में भी उनको दे दिया है, आप उन सब चीज़ को देखो, ना कि वो सब गलत चीज़ें जो कि वेबसाइट्स में है या फिर गलत चीज़ें जो आपके लाइफ को हैम्पर करती हैं, राइट? आप उन सब चीज़ों को देखो जो आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है. मेरे दोस्तों से, मेरे मतलब जो मित्र हैं उनसे, मेरे जो पीयर्स हैं उनसे, मेरे जो आसपास के रिलेशन वाले हैं, जिन्होंने भी मुझे आज तक खराब कहा, जिन्होंने भी आज तक मुझे डीमोटिवेट किया, जिन्होंने भी आज तक मुझे मतलब निकम्मा कहा या फिर कुछ भी कहा जिससे आप डीमोटिवेट होते हैं, उन सबको प्रूव करना है मुझे, ठीक है, उन सबको प्रूव करना है. एंड आई विल डू इट, ये ब्रेन में अगर आप ला दोगे ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको कोई भी नहीं हरा सकता. मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता, यू विल बी इनविंसिबल. तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए. आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, ऑब्वियसली पसंद आएगा. आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू वेरी मच. मेरे और भी वीडियोज जाके देखना, ठीक है. मुझे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब को बटन को टिप देना, प्रेस कर देना, फिर बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, फिर इस वीडियो को शेयर कर देना, पूरे इंडिया को बताओ कि ब्रह्मचर्य करना कितना बेनिफिशियल है, कितना बढ़िया है, ठीक है. बॉडी मतलब बेस्ट बनने लगती है आपकी, मतलब आप यू कैन डू एनीथिंग, आपके मन में डर नहीं रहता, आप कॉन्फिडेंस से भर जाते हो, ठीक है. ये है इफेक्ट ब्रह्मचर्य का. तो आई होप इस ब्रह्मचर्य को आप पालन करोगे और मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ और पूरी इंडिया में, राइट? तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए. हरे कृष्णा.